हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर कितने वर्ड्स है वो कैसे काउंट करें। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से कैरेक्टर str 20। उसके बाद मैं clr str लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं get ch लिख देता हूँ। अभी जो स्ट्रिंग हमने ऊपर डिक्लेयर की है वो हमें यूजर के पास से लेनी है, तो उसके लिए मैं एक स्कैन स्टेटमेंट लिखूंगा और उस स्कैन स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दूंगा परसेंटेज इन द स्क्वायर ब्रैकेट कैरेट स्लैश एन और str, जो हमें मल्टी वर्ड स्ट्रिंग रीड करके देगा। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये स्कैनफ स्टेटमेंट गेटेस str के इक्विवेलेंट है। अभी स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर अ स्ट्रिंग। अभी सपोज हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि स्ट्रिंग की वैल्यू हेलो वर्ल्ड है। अब इस पूरी स्ट्रिंग को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर दो वर्ड इन्वॉल्व है, यानी कि हमें आउटपुट के तौर पे काउंट की वैल्यू 2 मिलनी चाहिए। अभी नेचुरली 2 वर्ड है वो हमें कैसे पता चलता है, तो अगर हम ध्यान से देखें कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेस इन्वॉल्व है और स्पेस से दो वर्ड सेपरेट होते हैं, यानी कि स्पेस की काउंट 1 है तो वर्ड का काउंट 2 है। सेम वे अगर सपोज हम ऐसा एज्यूम करें कि स्ट्रिंग की वैल्यू वी आर इन ईयर 2020 है, यानी कि अगर यहाँ पे हमें स्पेस काउंट करें तो यहाँ पे टोटल 4 स्पेसेस है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे वर्ड काउंट 5 है। यानी कि जितना हमारा स्पेस का काउंट है उससे एक ज्यादा हमारे वर्ड का काउंट हमेशा होता है। यानी कि अगर हम स्ट्रिंग के अंदर से स्पेस के काउंट को आइडेंटिफाई कर ले तो हमें वर्ड का काउंट इजीली मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को 1 by 1 चेक करने जाना पड़ेगा कि वो स्पेस है या नहीं है। तो लेट अस से पहली स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर एच है, पहली स्ट्रिंग का दूसरा कैरेक्टर ई है, पहली स्ट्रिंग का तीसरा कैरेक्टर एल है, पहली स्ट्रिंग का चौथा कैरेक्टर एल है, पहली स्ट्रिंग का पांचवा कैरेक्टर ओ है, पहली स्ट्रिंग का छठा कैरेक्टर स्पेस है, पहली स्ट्रिंग का सातवां कैरेक्टर डब्ल्यू है, पहली स्ट्रिंग का आठवां कैरेक्टर ओ है, पहली स्ट्रिंग का नौवां कैरेक्टर आर है, पहली स्ट्रिंग का दसवां कैरेक्टर एल है और पहली स्ट्रिंग का 11th कैरेक्टर डी है। और हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा था कि कोई भी स्ट्रिंग हमेशा नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होती है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस स्ट्रिंग का 12th कैरेक्टर नल कैरेक्टर है। यानी कि हमें जब तक स्ट्रिंग के अंदर नल कैरेक्टर नहीं मिलता है तब तक चेक करने जाना पड़ेगा कि स्ट्रिंग कितनी स्पेस कंटेन करती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले कैरेक्टर के लिए चेक करते हैं कि वो स्पेस है या नहीं है, जो कि गलत है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अभी हमें एक भी स्पेस नहीं मिली, यानी कि हमारे स्पेस का काउंट 0 रहेगा। यानी हम इनिशियली भी स्पेस के काउंट को 0 ले लेते हैं। उसके बाद हम सेकंड कैरेक्टर को चेक करने जाए कि वो स्पेस है या नहीं है, जो कि गलत है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अभी भी हमारे स्पेस का काउंट 0 ही है। उसके बाद हम थर्ड कैरेक्टर को चेक करने जाए कि वो स्पेस है या नहीं है, जो कि गलत है। यानी कि हमारे पास स्पेस का काउंट अभी भी 0 है। उसके बाद अगर हम फोर्थ कैरेक्टर को चेक करने जाए कि वो स्पेस है या नहीं है, जो कि गलत है, यानी कि अभी भी हमारे स्पेस का काउंट 0 ही है। उसके बाद हम फिफ्थ कैरेक्टर को चेक करने जाए कि वो स्पेस है या नहीं है, जो कि गलत है, यानी कि अभी भी हमारे स्पेस का काउंट 0 ही है। उसके बाद हम चेक करने जाए कि हमारा सिक्स्थ कैरेक्टर स्पेस है या नहीं है, जो कि सही है, यानी कि अब हमारे स्पेस के काउंट के अंदर 1 बढ़ जाएगा। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अभी हमारे स्पेस का काउंट 1 हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करें कि हमारी स्ट्रिंग का सातवां कैरेक्टर स्पेस है या नहीं, जो कि गलत है, यानी कि अभी भी हमारी स्पेस का काउंट 1 ही रहेगा। उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारी स्ट्रिंग का आठवां कैरेक्टर स्पेस है या नहीं है, जो कि गलत है, यानी कि अभी भी हमारी स्पेस का काउंट 1 ही रहेगा। उसके बाद हम चेक करें कि हमारी स्ट्रिंग का नौवां कैरेक्टर स्पेस है या नहीं, जो कि गलत है, यानी कि अभी भी हमारी स्पेस का काउंट 1 ही रहेगा।
उसके बाद हम चेक करें कि हमारी स्ट्रिंग का 10वां कैरेक्टर स्पेस है या नहीं है, जो कि गलत है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अभी भी हमारी स्पेस का काउंट 1 ही रहेगा। उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारी स्ट्रिंग का 11वां कैरेक्टर स्पेस है या नहीं है, जो कि गलत है। यानी कि अभी भी हमारी स्पेस का काउंट 1 ही रहेगा। और उसके बाद हमें नल कैरेक्टर मिल जाता है, यानी कि इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर हमें सिर्फ एक स्पेस मिलती है। और हमने अभी देखा था कि जो भी हमारी स्पेस का काउंट होता है उससे एक ज्यादा हमारी वर्ड का काउंट होता है। यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि इस केस में हमारे पास काउंट की वैल्यू 2 आनी चाहिए। यानी कि हम सिंपली स्पेस प्लस 1 को प्रिंट करवा दे तो हमें हमारा आउटपुट मिल सकता है। तो अभी इसी चीज को हम लॉजिक के तौर पे कन्वर्ट करें तो सबसे पहले हमें 0 नंबर का इंडेक्स पे रहे हुआ कैरेक्टर को चेक करना है। तो हम i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम एक लूप लेते हैं और लूप के अंदर हम चेक करते हैं कि जब तक हमारी स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर नल कैरेक्टर ना हो तब तक हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है। और लूप के अंदर हम चेक करते हैं कि हमारा ith कैरेक्टर स्पेस है या नहीं है। अगर वो स्पेस है तो हमें स्पेस के काउंट को एक बढ़ा देना है, अदरवाइज हमें कुछ नहीं करना। और एक कैरेक्टर को चेक कर लेने के बाद हम i की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देते हैं और स्पेस की इनिशियल वैल्यू भी हम 0 ले लेते हैं, क्योंकि हमने इनिशियली ऐसा सोचा था कि इसके अंदर एक भी स्पेस नहीं है। और लूप के बाहर हम सिंपली प्रिंट करवा देते हैं कि टोटल वर्ड्स इन परसेंटेज एस आर परसेंटेज डी, और परसेंटेज एस की वैल्यू हम एसटीआर से और परसेंटेज डी की वैल्यू हम स्पेस प्लस 1 से रिप्लेस कर देते हैं। अभी लूप के अंदर हमने आई और स्पेस नाम के दो वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो वो दोनों वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर आई एज वेल एज स्पेस, और लूप के अंदर हमने इस स्पेस करके एक फंक्शन का यूज किया है जो फंक्शन ctype.h हेडर फाइल में बिलोंग करता है, तो हम उसको भी ऐड कर देते हैं। लेट अस से हैश इंक्लूड ctype.h और फिर प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। प्रोग्राम को सेव करने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे हेलो वर्ल्ड इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है टोटल वर्ड्स इन हेलो वर्ल्ड आर 2, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि अभी अभी हमने इस स्ट्रिंग को मैन्युअली वेरीफाई करके देखा है तो उसके अंदर हमें 2 वर्ड्स मिलते थे। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे इंसर्ट कर रहा हूं वी आर इन ईयर 2020 और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है टोटल वर्ड्स इन वी आर इन ईयर 2020 आर 5, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे हेलो उसके बाद स्पेस उसके बाद एक और स्पेस और उसके बाद वर्ल्ड इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है टोटल वर्ड्स इन हेलो वर्ल्ड आर 3, जो कि गलत है, क्योंकि हेलो वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 2 ही वर्ड्स है पर हमें आउटपुट के तौर पे 3 वर्ड्स मिल रहा है, क्योंकि हमने हेलो और वर्ल्ड के बीच में 2 स्पेस इंसर्ट की है और इसी वजह से हमें काउंट के तौर पे 3 मिल रहा है, क्योंकि हमें स्पेस का काउंट 2 मिल रहा है। यानी कि हमें ऐसा नहीं करना है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमें 2 कंसेक्यूटिव कैरेक्टर अगर स्ट्रिंग मिलते हैं तो हमें उसको सिर्फ एक ही स्पेस काउंट करनी है, उसको मल्टीपल स्पेस नहीं काउंट करनी। तो इसी चीज को हम थोड़ा लॉजिक के तौर पे देखे तो हम चेक करते हैं कि हमारा ith कैरेक्टर स्पेस है एज वेल एज हम एक और कंडीशन रख देते हैं कि हमारा ith प्लस 1 कैरेक्टर यानी कि str ऑफ i प्लस 1 अगर स्पेस नहीं है तो ही हमें स्पेस को काउंट करना है। यानी कि अब जो हमने हेलो और उसके बाद 2 स्पेस इंसर्ट की थी वो सिर्फ एक ही स्पेस के तौर पे ट्रीट होगी। तो अभी एक और बार प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे हेलो उसके बाद 2 स्पेस और उसके बाद वर्ल्ड इंसर्ट करना हो और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है टोटल वर्ड्स इन हेलो वर्ल्ड आर 2, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे स्पेस और उसके बाद हेलो और उसके बाद स्पेस इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है टोटल वर्ड्स इन स्पेस हेलो स्पेस आर 3, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ड है और हमें आउटपुट के तौर पे 3 मिल रहा है। इसका रीजन यही है कि हमने फर्स्ट कैरेक्टर के तौर पे स्पेस इंसर्ट किया है और लास्ट कैरेक्टर के तौर पे भी स्पेस इंसर्ट किया है, यानी कि अभी हमें
इस चीज को भी चेक करना पड़ेगा कि हमारा फर्स्ट कैरेक्टर स्पेस नहीं होना चाहिए और लास्ट कैरेक्टर स्पेस नहीं होना चाहिए, और अगर वो स्पेस होता है तो हमें जो भी स्पेस की काउंट मिलती है उस काउंट को हमें डिक्रीज कर देना पड़ेगा। यानी कि लेट अस से सपोज हम एक बार पूरी स्ट्रिंग को चेक कर लेने के बाद चेक करते हैं कि अगर हमारी स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर स्पेस है तो हमारी जो भी स्पेस का काउंट है उसमें से हम एक डिक्रीज कर देते हैं, और हम एक और चीज चेक कर लेते हैं कि हमारी स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर जो कि i माइनस वन पोजीशन पे है अगर वो भी स्पेस है तो हमें स्पेस के काउंट में एक कम कर देना है। अभी इसी चीज को हम चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए प्रोग्राम को पहले सेव करते हैं, उसके बाद कंपाइल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे स्पेस हेलो और स्पेस इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है टोटल वर्ड्स इन स्पेस हेलो स्पेस आर वन, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम 20 कैरेक्टर तक की किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इजीली काउंट कर सकते हैं। और अगर हमें 20 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर की स्ट्रिंग के लिए यही टास्क परफॉर्म करना है तो हमें डिक्लेरेशन के अंदर चेंज करना पड़ेगा। लेट अस से हमें 50 कैरेक्टर तक की स्ट्रिंग के अंदर से टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करना है तो हम डिक्लेरेशन के अंदर कैरेक्टर str ऑफ 20 की जगह पे कैरेक्टर str ऑफ 50 कर देंगे, तो हमें इजीली 50 कैरेक्टर तक की स्ट्रिंग के अंदर से टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मिल सकते हैं। यानी कि सिर्फ एक जगह पे चेंज करने से हम किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग के अंदर से टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।